नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप थिंक 360 देख रहे हैं और इस वक्त हम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खड़े हैं। क्षत्रिय युवक संघ का एक बहुत बड़ा जलसा यहां हो रहा है और आप देख सकते हैं कि सुबह के 7:30-8 बजे हैं और इस वक्त जिस तरह का माहौल है उस माहौल को आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में राजपूत देश भर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह जी की 100वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस आयोजन को आहूत करने के लिए पिछले एक साल से लगातार छोटे छोटे स्तर पर आयोजन किए जा रहे थे और देखा जा रहा है कि महिलाओं की संख्या भी यहाँ बड़ी संख्या में है। महिलाएं बड़ी संख्या में आई है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। और सुबह का जो समय आप देख सकते हैं, जिस तरह से कोहरा है दिल्ली में और कोहरे के बीच में जिस तरीके से केसरिया रंग छा रहा है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। राजस्थान, गुजरात के अलावा अगर उत्तरी राज्यों की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ लगातार आ रहे हैं। राजस्थान से करीब 22 से 23 ट्रेन जो है वो बुक की गई इस आयोजन के लिए और पूरे देश भर में करीब 100 के आसपास ट्रेन बुक करके क्षत्रिय पहुंच रहे हैं। ये पहला एक अलग तरह का आयोजन देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में राजपूत इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आउटकम आएगा इस आयोजन का और क्यों ही इकट्ठा हो रहे हैं? क्योंकि एक जन्म जयंती आयोजन को लेकर जिस तरह का उत्साह है प्रत्येक वर्ग और तमाम तरह के लोगों में देखने को मिल रहा है, हम इस कार्यक्रम को आपको पूरा लाइव दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे क्यों आए हैं, क्या इसके आउटकम होंगे। क्षत्रिय संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर, क्षत्रिय संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक महावीर सिंह सरवड़ी, संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बेणेगावास समेत जो लोग हैं वो इस आयोजन में मार्गदर्शन में जुटे हुए थे और बड़ी संख्या में जो क्षत्रिय संघ से जुड़े हुए लोग हैं वो बड़ी संख्या में लगातार एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पिछले एक साल से इस आयोजन की तैयारियों में जुटे थे। बात की जानी चाहिए कि इस आयोजन के पॉलिटिकल आउटकम्स क्या होंगे, क्योंकि अगर क्षत्रिय युवक संघ की ही बात करें तो इनके एक अनुषांगिक संगठन प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी से जब हमने बात की तो उनकी नाराजगी दिखी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से समर्पित भाव से राजपूत राजस्थान में खास करके वोट करते रहे हैं, खास करके दूसरे राज्यों में भी करते रहे हैं, राजपूतों को जिस तरह का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं दिया जा सका है। जैसे कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो राजस्थान में सिर्फ भैरव सिंह शेखावत एकमात्र राजपूत सीएम बन सके। देश में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे दो लोग पहुंचे जिसमें वीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे। और मूलतः अगर राजस्थान की बात करें तो पहले विधानसभा चुनाव में 168 सीटों में से 57 राजपूत जीते थे और अब संख्या जो है वो घटते घटते 20 के आसपास रह गई है। कांग्रेस से तो एक ही विधायक जीत सका है। तो राजपूतों को सोचना होगा, राजपूतों को विचार करना होगा। इसलिए यह आयोजन, इसका एक कोई क्या कोई हिडन एजेंडा है या इस आयोजन को लेके कोई अलग सोचा जा रहा है, सोशल पॉलिटिकल इवेंट देखा जाए या इसको किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि पूरा एक आध्यात्मिक और धार्मिक माहौल यहाँ पे केसरिया रंग आप देख सकते हैं जगह जगह। और अगर बात करें पॉलिटिकल की तो 2004 के लोकसभा चुनाव में दो राजपूत एमपी रह गए थे, फिलहाल 3 राजपूत एमपी राजस्थान में हैं। तो एक बड़ी राजपूतों के नेताओं से बात करें तो एक बड़ी पीड़ा नजर आती है और उस पीड़ा में यह है कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। और राजपूत समाज के लगभग जो आसपास संख्या वाले जो लोग हैं उनकी जो सीटों की संख्या है, खास करके जाट समाज की बात करें या अन्य की, तो वैसे एक बड़ा इश्यू क्षत्रिय युवक संघ उठा रहा है मूल ओबीसी का। मूल ओबीसी के लोग भी अपने आप को थोड़ा सा, तो यह संगठन के लोगों का कहना है कि हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरीके से कि ओबीसी रिजर्वेशन को एक खास करके जाट जाति का नाम लिया जाता है संगठन के नेताओं द्वारा, कि जिस तरह से एक्वायर कर लिया गया है वो एक बड़े पैमाने पे सोचने लायक बात है। तो बड़ा 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 विचार जो है वो देखना है कि पॉलिटिकली कैसे देखा जाए इस इवेंट में। और अगर अपन बात करें राजस्थान में जो है वो राजस्थान में किस तरीके से आने वाले लोकसभा चुनाव को देखा जाएगा, 2024 में लोकसभा के चुनाव है,
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थोड़े टाइम में या जब कार्यक्रम शुरू होगा तो मंच पे नजर आएंगे। साथ ही हिमाचल के बड़े नेता, देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ नजर आएंगे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के भी इस कार्यक्रम में आने की सूचना है। तो पॉलिटिकल लोगों से अछूता नहीं है ये कार्यक्रम। निश्चित तौर पर क्षत्रिय संघ के स्वयंसेवक जो है वो लगातार बात कर रहे हैं कि हम राजनीति से दूर हैं, राजनीति से हमारा कोई लेने देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रताप फाउंडेशन क्षत्रिय संघ का अनुसांगिक संगठन जो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर काम करता है या राजनीतिक विचारधारा के लिए काम करता है, समाज के प्रतिनिधित्व की बात करता है, उनका एक देखने का बनता है कि वो लोग क्या सोचते हैं। महावीर सिंह सरवड़ी इस कार्यक्रम में बिल्कुल सक्रिय भूमिका में है। हमारी जिस तरीके से बात हुई, जिस तरह से भारत रत्न की बात चली, तो ऑफ द रिकॉर्ड अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि आज तक एक भी राजपूत को भारत रत्न नहीं दिया गया है, जबकि एक तिहाई के आसपास परमवीर चक्र विजेता राजपूत हैं। तो क्यों ही इस कौम की उपेक्षा लगातार सरकारी सिस्टम कर रहा है, जबकि सारे राजपूत राजा नहीं थे। रियासतों का विलय किया गया, जिस तरह की शर्तें पहले दी गई थी वो शर्तें बाद में अबोलिश कर दी गई, तो तमाम तरह की पीड़ाओं को लेके। लेकिन जब क्षत्रिय संघ के संघ जो संचालक हैं, जो संरक्षक हैं, भगवान सिंह रोल साहब सर, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की मांग नहीं करना चाहते, हम किसी तरह के उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते कि हम लोग किसी मांग को लेके यहाँ खड़े हैं या हम लोग याचना की भूमिका में हैं। क्योंकि वो चूंकि उम्र के उस दौर में हैं या अनुभव के उस दौर में हैं जब उनके लिए ये बात कहना समीचीन बनता है, परंतु यहाँ आने वाले लोग जो कि क्षत्रिय संघ के साथ शायद प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, उनकी डिमांड सीधे तौर पर नजर आती है कि समाज को राजनीतिक रूप से एक सशक्त माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम क्षत्रिय युवक संघ का संगठन या क्षत्रिय संघ खुद हो सकता है। हालांकि राजपूतों में और भी संगठन चलते हैं जिनमें करणी सेनाएं हैं सर्वाधिक संख्याओं वाली, तो मतलब संगठनों की संख्या के हिसाब से, लेकिन अपेक्षा जो की जाती है, क्षत्रिय संघ कहता है हमारा संस्कार निर्माण का काम है, तो क्षत्रिय युवक संघ के जो संघ प्रमुख पहले थे तन सिंह जी का जन्म 1924 की 25 जनवरी को बाड़मेर जिले के बेरसियाला गांव में हुआ था, और वो बलवंत सिंह महेचा के पुत्र थे, मोती कंवर उनकी मां का नाम था, और उन्होंने प्राथमिक शिक्षा बाड़मेर में पूरी की। उसके बाद उन्होंने माध्यमिक शिक्षा जो है तन सिंह जी ने चौपासनी से पूरी की, और चौपासनी के बेस्ट स्कॉलर रहे वो। वहां से फिर पिलानी में वो ग्रेजुएशन करते हैं, और पिलानी में उनको एक स्कॉलरशिप भी मिलती थी। तो उसके बाद नागपुर LLB करने गए और वहां संपर्क में आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रणाली है ये उन्होंने RSS के जो सरसंघ चालक थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, उनसे प्रेरित होके ली थी, और इनकी जो दैनिक क्रियाकलाप है चाहे वो जागरण से लेके वही संघ उत्तिष्ट प्रचल आरम दक्ष वाला मामला है। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ इससे इनकार करता है कि RSS का यह कोई अनुसांगिक या बी टीम है। तो बड़ी जो चीजें देखने को मिलती है वो है कि अपने आप को समाज निर्माण, समाज जागरण और समाज ही के लिए, और अभी अध्यात्म की बात करने लगा है क्षत्रिय संघ, यथार्थ गीता का जिक्र करता है, कृष्ण के कर्म योग की बात करता है, क्यों ही ये चीजें जो है। लेकिन राजपूतों का एक जो बड़ा धड़ा है जो डिमांड करता है पॉलिटिकली सपोर्ट की, हालांकि अभी जो BJP की गवर्नमेंट आई है उसमें ऐसा बताते हैं कि 17 से 18 राजपूत विधायक बने हैं, किसी एक जाति के सर्वाधिक विधायक अगर BJP में है तो वो राजपूत हैं। ऐसे में एक बड़ा मैसेज ये जाता है कि राजपूत पूरी तरह से मूव और मोबिलाइज हुआ BJP की तरफ, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो सन्निकट है, जल्दी ही वो चुनाव होने वाला है। तो क्या यह जो मौजूदा राजनीतिक संगठन है उन पर किसी एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूंगा 2021 की 22 दिसंबर को
दिल्ली में जयपुर में एक बड़ा जलसा हुआ था, उस जलसे में हीरक जयंती नाम दिया गया जिसमें क्षत्रियुग संघ ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष बनाए थे। उस आयोजन के बाद एक बड़ा माहौल राजनीतिक पार्टियों पे पड़ा और कांग्रेस ने एक लंबे अरसे बाद राजस्थान में पहली बार सोचना शुरू किया कि किस तरीके से एक राजपूत को राज्यसभा भेजा जाए। भंवर जितेंद्र का नाम चला, लेकिन अशोक गहलोत बड़े जादूगर हैं और उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ के माध्यम से एक भांजी मारी जिस तरह से, और उस प्रयोग को फेल कर दिया। और धर्मेंद्र राठौड़ जो कि अशोक गहलोत की जादूगरी का सामान और उनके लिए माहौल उपलब्ध कराते रहे हैं, हालांकि लाल डायरी के लिए बड़े बदनाम हुए और जिस तरह की भाषा और जिस तरह की चीजें आउट हुई मीडिया में, उससे लगता नहीं कि राजनीति का जो स्तर है वो राजपूत राजनेताओं में भी इस स्तर का जा सकता है कि ओछापना या वो जो चीजें हैं उनको देखा जाना चाहिए। और जिस तरह से लोगों का, महिलाओं का कैरेक्टर असैसिनेशन, मैं पुष्टि नहीं करता कि ये डायरी धर्मेंद्र राठौड़ की ही होगी, लेकिन कांग्रेस ही के नेता के द्वारा जिस तरह का दावा किया गया, धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से अभी तक नकारा नहीं गया है कि ये मेरी नहीं है डायरी, तमाम चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार सोचा। मुझे याद है कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही थी, उनके अलावा किसी राजपूत को शायद ही कांग्रेस ने राज्यसभा राजस्थान से भेजा है, जबकि राजपूतों की संख्या कम से कम 15 विधायकों की राजस्थान में रही है। तो यह एक बड़ी चीज है कि राजस्थान के राजपूत क्या सोचते हैं, हरियाणा के राजपूत क्या सोचते हैं, मध्य प्रदेश के राजपूत क्या सोचते हैं, और ये पूरा जो उत्तर भारत है इसमें राजपूत एक डिसाइडिंग फैक्टर है, खास करके उत्तराखंड और हिमाचल में अगर मुख्यमंत्रियों की स्थिति देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, तो इन्फ्लुएंसिव होने के साथ साथ एक प्रभाव जो है वो बड़े पैमाने पर दूसरी जातियों पर रखते हैं। और इसी के निमित्त यह जो आयोजन है जिसमें तन सिंह की जयंती मना रहे हैं, अपन बात कर रहे थे तन सिंह आते हैं नागपुर, क्षत्रियुग संघ की स्थापना करते हैं, एक पैटर्न लेते हैं आरएसएस से, लोग ये कहते हैं कि पूरा सिस्टम वहाँ से लिया गया, लेकिन जैसे हमारे महावीर सिंह सरवड़ी से बात हुई उन्होंने बताया कि दैनिक क्रियाकलाप और संघ और शाखा के संचालन के जो सिस्टम है जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रभाव डालते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, उस पर जरूर फोकस किया और वो चीज़ें ली और उसमें निश्चित तौर पे अनुमति ली उन्होंने, सदाशिवराव गोलवलकर जो थे, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी जो दूसरे सरसंघचालक थे आरएसएस के, और ऐसा बताते हैं कि वो लगातार गए और जाके कहा कि आप अनुमति दीजिए, पहले उन्होंने मना किया और उसके बाद जब वो लगातार जाते रहे, और 22 दिसंबर 1946 को एक क्षत्रियुग संघ की स्थापना का जो वर्तमान स्वरूप है जिसमें शाखाएं लगती है, शिविर लगते हैं, तो वो किया गया। तन सिंह 1952 में पहले विधायक बने, इससे पहले 1948 में बाड़मेर के विधानसभा अध्यक्ष, सॉरी बाड़मेर में जो नगर पालिका थी उसके अध्यक्ष बने, तो 52 में जब विधायक बने पहली बार तो काफी अच्छे प्रखर वक्ता थे। एक दौर आया जब जसवंत सिंह तंवर जो कि बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्टेट टाइम में और राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता थे, जब जसवंत सिंह तंवर प्रतिपक्ष नेता का पद छोड़कर सेंट्रल असेंबली में जाते हैं राज्यसभा में, तो जसवंत सिंह तंवर के बारे में आपको बता दूं अगर आप लोग नहीं जानते हैं, तो जसवंत सिंह तंवर वो नेता थे जो तेज बहादुर सतपुरा और अंबेडकर के अलावा तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, वो व्यक्ति थे जो राजस्थान के पहले प्रतिपक्ष नेता थे, और वो व्यक्ति थे जिन्होंने राज्यसभा में बहुत सारी डिबेट में हिस्सा लिया, और वो व्यक्ति थे जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। और ऐसा बताते हैं कि जो काशी, छोटी काशी की उपाधि बीकानेर को इसलिए दी गई कि जसवंत सिंह तंवर ने ही पहला संविधान का प्रारूप तैयार करना शुरू किया था बीकानेर में, करीब 35 लोगों की टीम के साथ, जब भारत अधिनियम 1935 आया था तब। खैर, जसवंत सिंह तंवर राजस्थान की विधानसभा छोड़ के जब जाते हैं सेंट्रल असेंबली में, तो तन सिंह को प्रतिपक्ष नेता बनाया जाता है। बाद में भूस्वामी आंदोलन होता है, उसके बाद में 57 में फिर विधायक बनते हैं, 62 में जब जैसलमेर के महाराजा चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं तो तन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 62 से जीतते हैं। खेत सिंह सामने एक बार लड़े थे, उनके 1977 का शायद चुनाव था, तो खेत सिंह राठौड़ वर्सेज तन सिंह 77 का चुनाव हुआ था, तो एक कवि ने कहा भी था खेता मत खातो पर तना राखो ताओ, इस तरह की कई चीज़ें पॉलिटिकली चलती हैं। 77 से 79 तक एमपी रहे, 79-80 के जब चुनाव होने थे तब 7 दिसंबर 1979 को अपनी माँ से मिलने गए तन सिंह और वहीं उनका निधन हो गया 54 साल की उम्र में। उसके बाद एक क्षत्रियुग संघ चलता रहा और उस समय उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने नेक्स्ट जो संघ प्रमुख थे नारायण सिंह रेड़ा उनको बनाया। साथ ही एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, क्षत्रियुग संघ के एक संघ प्रमुख रहे हैं आयुवान सिंह हुडील, उनकी अगर किताब राजपूत और भविष्य पढ़ें तो उसमें वो करीब 1955-56 में लिखते हैं कि राजपूतों को
जो मूल ओबीसी हैं उसके लिए काम करना चाहिए और इनको रिजर्व करना चाहिए। तो मुझे लगता है लिखित रूप में पहला ऑप्शन वहां आया और कर्पूरी ठाकुर जो हैं जिनको अभी भारत रत्न दिया गया है एग्जीक्यूट उन्होंने किया, लेकिन विचार जो है वो आईवान सिंह हुडिल का था। तो इसी संघ से वो विचार निकला हुआ नजर आता है कि किस तरह से पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। फिर एक राजपूत जब बनते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह और वो इसे लागू करते हैं, तो बड़ी चीजें राजस्थान की पॉलिटिक्स में यहाँ से नजर आती हैं और लगातार नजर आती हैं। तो कुल मिला के बात कर रहे हैं पॉलिटिकल आउटकम्स क्या होंगे, राजपूत क्या सोच रहे हैं, हम बात करेंगे लोगों से और आपसे अपील है कि आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम आपको इस कार्यक्रम को लाइव दिखा सकें और लगातार अपडेट करते रहें आपको। और ये जो इवेंट है इसमें लेके हम बड़ी संख्या में महिलाएं आए हैं, लोग आए हैं, तो उनसे अपन बात करेंगे।